जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहण ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ। मोदी को तो मुकिया ना कूटेगा जब छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तेरे साथ बात करनी है। नहीं नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सबूत लाओ। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? चिल्ला मत, मुझे डर लगता है, मैं जाता हूं। आओ रुक, अगर सातों एक पाप के हैं तो रुक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रुक। नाना मैं पिछड़ा हूँ तो क्या मैं विकास पर बोल भी नहीं सकता हूँ क्या? आपके बारे में सब जानता हूँ मैं, कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत दी आपने, सब जानता हूँ। ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर विवाद करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना विवाद। मैं कहता हूँ मेट्रो रेल लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है, करो विवाद, कौन मना करता है भाई। मैं कहता हूँ मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए। ये जो कह रहा है सच है क्या? अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूँ मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, और कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेते आप। तेरे दादा मेरे यहाँ मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। पहली तारीख थी तो कतार में खड़े थे परसों। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गई हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। मोदी को तो मुकिया ना कूटेगा जब। ओ जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहण ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ।